जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है कुछ मसालेदार खबरों के साथ। और आज की पहली खबर पे चले तो भाई ह्यूंडई की तरफ से आ रही है और आप सबकी चहेती गाड़ी वरना। वरना के अंदर आपको एक एन लाइन का सेगमेंट भी देखने को मिलेगा। लीक्स के दौरान देखा गया है, स्पोर्ट किया गया है रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ एन लाइन की बैजिंग होगी। अब वरना का भी एन लाइन लॉन्च होगा काफ़ी जल्दी और ये जो गाड़ी है टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के ऊपर बेस होगी। अगली जो खबर है भाई महिंद्रा की तरफ से है, महिंद्रा की एक्सयूवी 700 ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च हो गई है। फिलहाल ये सिर्फ दो वेरिएंट्स में प्रोवाइड कराई जाएगी और सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो भाई काफ़ी खुशी की बात होती है जब कोई इंडियन ब्रांड एब्रॉड में भी जाके यार विदेशों में भी जाके बिके तो मज़ा ही आ जाता है। और साथ ही साथ ये 5 कलर ऑप्शंस में भी वहाँ मिलेगी। अगली जो खबर है भाई वो मारुति की तरफ से है, मारुति की जिमनी को बम्पर ओपनिंग मिल रही है। यार हर रोज करीब करीब 150 बुकिंग्स मिल रही है जिमनी को, मारुति को जिमनी की। जो जिमनी है भाई हर रोज 150 गाड़ियाँ बुक हो रही हैं एक एवरेज के हिसाब से निकाला जाए तो भाई काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगली जो खबर है भाई वो वोल्वो की तरफ से है, वोल्वो ने इंडिया के अंदर अपनी C40 रिचार्ज को अनवील कर दिया है। बाकी ये जो गाड़ी है ये लॉन्च होगी अगस्त के महीने में और ये जो गाड़ी है 530 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और सितंबर 2023 से इसकी डिलीवरीज जो है शुरू कर दी जाएंगी। अगली जो खबर है भाई वो टाटा की तरफ से है, टाटा की सफारी का वेटिंग पीरियड सामने आया है जिसका वेटिंग पीरियड है वो एक्सटेंड हो गया है 4 वीक्स तक। तो जिनको सफारी चाहिए भाई तो उनको 4 वीक्स यानी कि 1 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली जो खबर है भाई वो है ह्यूंडई की तरफ से, ह्यूंडई वेन्यू में आपको एक नया वेरिएंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट करना यार, बाहर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल जो मेरा ऑफिस है तो वो बिल्कुल ऑन रोड है तो ज़्यादा शोर आता है। तो भाई पहले मैं बताऊं फ़िलहाल तो ये 6 वेरिएंट्स में ऑफ़र की जाती है कस्टमर्स को। अब इसके अंदर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का वेरिएंट भी ऐड हो सकता है। तो भी देखना होगा क्या क्या वेरिएंट लेके आती है ह्यूंडई। अगली जो खबर है भाई वो है महिंद्रा की तरफ से, महिंद्रा की एक्सयूवी 300 का फेसलिफ्ट वर्जन टेस्टिंग के दौरान देखा गया है दोबारा से। पहले भी मैंने आपको एक बार खबर दी थी कि देखा गया था, फिर से देखा गया है और भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा इस गाड़ी के अंदर ज़रूर, तो आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी अगर इस तरह की गाड़ी आई तो पता नहीं यार किस तरह का लुक आएगा, बट अच्छा ही आएगा। अगली जो खबर है भाई वो रेनॉल्ट की तरफ से है, रेनॉल्ट ने 16 साल की इंडिया के अंदर 16 साल में 10 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस करने का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। अगली जो खबर है भाई वो है मारुति की एमपीवी जो है जो इनोवा हाईक्रॉस बेस्ड होगी इनविक्टो, उसकी जो बुकिंग्स सिलेक्टेड शोरूम्स पे स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी शोरूम पे डीलरशिप पे जाके आप पता कर सकते हो, अगर बुकिंग आप करानी है तो आप करा सकते हो। तो भाई ये कुछ खबरें थी, ज़्यादा खबरें नहीं थी लेकिन काफ़ी बढ़िया खबरें थी। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।